आप कभी लास्ट विलेज ऑफ इंडिया गए हो जो कि पड़ता है एक्चुअली में तिब्बत चाइना बॉर्डर के पास, एग्जैक्टली मैं माना की बात कर रही हूँ। कहते हैं स्वर्ग का रास्ता यहीं से निकलता है, और अगर आप संगम देखना चाहते हो सरस्वती और अलकनंदा रिवर का तो यहीं पर होता है। तो डोंट मिस नेक्स्ट टाइम, अगर आप प्लान कर रहे हो बद्रीनाथ के लिए माना जरूर जाना। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइड साक्षी संजल। और मैं रुकी थी यूथ हॉस्टल के साथ, अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट व्लॉग में चेक कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। एंड मैं हूँ रमन के साथ, फिलहाल हम जा रहे हैं नई जगह पर। ये जगह मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी और आपने ये जगह ज़रूर देखी होगी, उसके बारे में बहुत सुना होगा। सो फर्स्ट टाइम गाइस, आई एम गोइंग टू एंटर द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। मैं हमेशा इसको टच करके भाग जाती थी, मतलब दो बार इसको टच करके भाग गई। आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल वैली टूडे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज कि ये जगह एक टाइम पे चाइना या तिब्बत की अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उन्होंने कैप्चर कर ली थी, और यहाँ पे अलकनंदा जो है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड नीचे की तरफ मैं देख पा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ सारा व्यू, एंड आई विल टेक यू टू द ऑल वे जो भी ये 3-4 किलोमीटर का विलेज एरिया है। वाओ, ऑफ रोडिंग ये तीन लड़कियां मेरी माना में, एंड दे केम बाय देमसेल्फ। पहले ट्रेन से आए फिर बस से आए, बस तीनों तुम दोनों आए हो, फैमिली के साथ आए हो। वाओ यार, कैसा लगा तुम्हें यहाँ के? फाइनली गाड़ी पार्क हो चुकी है, अब हमारा वॉकिंग का डिस्टेंस है कुछ किलोमीटर्स का, और हम रेडी हैं माना एक्सप्लोर करने के लिए। आज जगह कितनी खूबसूरत है, ये मतलब पहाड़ जन्नत से कम नहीं लगते। जितना आगे तुम बढ़ते जाओ, जितने एंड पॉइंट तुम जाते रहो, उतनी खूबसूरती पहाड़ों की और खूबसूरत होती जाती है। तुम्हें गांधी जी की वाइफ का नाम पता है? अगर तुमने बता दिया मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगी। वाह, सही बोला तुमने। तो गाइस, पूरा लोकल का लोकल विलेज एरिया है। ये कौन है तुम्हें पता सामने? एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे बता तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी यहीं से निकलती है। स्वर्ग की सीढ़ी, हैव यू हर्ड अबाउट स्वर्ग की सीढ़ी? तुम चूचू हो फिर। गाइस देखना कितनी कंप्लेंट करता है मेरी। तुम्हें मोमोज भी है वहाँ पे, मोमो भी खाएंगे, मोमो खाएंगे, चलो मैगी खाएंगे और एक मोमो खाएंगे, एक बस एक मैगी एक मोमो एक वो ना आधी आधी खाएंगे और एक मोमो आधा आधा। ठीक है, डन। ये बताओ पहले ये कॉस्ट्यूम क्या कहते हैं? कुछ आप जो आपने पहने हुए हैं ये गत्ती कहते हैं, गत्ती गत्ती कहते हैं। और ये जो आप ये पहना हुआ है ये ओरिजिनल है? ये और हमारा वो है जी, और रिवर होता है ओरिजिनल। सो पीस हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और ये मुझे सुबह से कंप्लेंट कर रहा है तुमने मुझे कुछ नहीं खिलाया। नहीं तुम कंप्लेंट कर रहे हो। रास्ता ऐसी गलियों से एक्टिव है, ये बिल्कुल केदारनाथ की तरह दिख रहा है गाइस। मुझे तो लग रहा है कि फोन में ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ रही है मेरे कैमरे में। तो गाइस अगर आप यहाँ नोटिस करोगे ना, सबसे मतलब अच्छी चीज कि टेक्नोलॉजी जो है, मतलब यहाँ पर डिश टीवी वगैरह सब लगे हुए हैं और सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और आई एम नॉट श्योर यहाँ पे घरों पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है, बट इतना देखा है कि रोड्स पे सोलर पैनल लगे हुए हैं ताकि यहाँ के जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन रहे, और यहाँ डिश टीवी ज़रूर आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, बिजली सारी अच्छे से। वाह, आंटी की वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रहे हो लास्ट विलेज में भी? क्या क्या बात है यार। हाँ रे हाँ, ठंड तो बहुत है। गाइस यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पेंटिंग्स बने हुए हैं दीवारों पे, और कैफे स्टाफ के हर जगह है। कुछ भी कहो गाइस, रास्ता बहुत सुंदर बनाया हुआ यार इन्होंने, और पूरा मेंटेन्ड है, लाइक आराम से आप वॉक कर सको। तो आप नॉर्मल शूज में भी आ रहे हो तो आप आराम से वॉक कर सकते हो यहाँ पे। हेलो, तो जैसे आप लोग भीम पुल पर पहुँचोगे तो आपको अपने राइट साइड सरस्वती रिवर फ्लो होते हुए दिखेगी।
सो गाइस कुछ हम आए थे उस जगह से और अब हम आ गए इस वाले ट्रैक पे। हम जा रहे हैं नदी किनारे उसको एक्सप्लोर करने। सो बेसिकली माना वो जगह है जहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती रिवर का संगम होता है, और सरस्वती रिवर का जो ओरिजिन है वो माना से ही है। उसके आगे सरस्वती रिवर जो होती है वो अलकनंदा से मिल जाती है। हमारा सफ़र नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है ओली के लिए। हम निकल चुके हैं कब से माना से, और हमें ओली पहुंचने में अभी तो ये 33 मिनट्स दिखा रहा है, मगर आप माना से अगर ओली जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 2 घंटे लगेंगे। और वैसे भी अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, तो हम ओली अराउंड 6 बजे तक पहुँच ही जाने वाले हैं। सो फाइनली रीचिंग टू द आर्यम रिजॉर्ट्स, और हम लोग पहुँचे हैं अराउंड, टाइम क्या हो रहा है मेरा आईफोन का है मेरे पॉकेट में, टाइम क्या हो रहा है 6:30 हो गए, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचने में इसलिए टाइम लगा क्योंकि 1-way रोड थी यहाँ पे, तो सीधा रास्ता यहाँ से ओली की तरफ जा रहा है। 4 किलोमीटर ऊपर मेन ओली है, एंड आपको रूम का टूर तो कल ही कराऊंगी, क्योंकि मैं आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपको माना कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू टुमारो।